क्या करे बाबू, अभी तक ले तो अब बिस्कुटों के पैसा नहीं है से खाना खाए। परेशानी तो यही कोरोना वाला परेशानी के चक्कर में सरकार लॉकडाउन कर रखे है। सरकार हम लोग को कुछ मदद करती है, अनाज पानी भेज देती है, रिक्शा वाला को, ठेला वाला को, ठेला वाला को। आपको बताते चलें कि बिहार में लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन फिर भी गरीब तबके के लोग जो हैं उनकी मदद नहीं हो पा रही है। आपको साथ ही साथ बताते चलें कि जो छोटे मोटे व्यापार करते थे, जो ठेला चालक थे, जो रिक्शा चालक थे, उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद होती नज़र आ रही है। तो हम चलेंगे और रिक्शे वालों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ परेशानियों का सामना उन्हें प्रतिदिन करना पड़ रहा है। आखिर जब लॉकडाउन लग गया है तो उनकी जीवन किस तरह से गुजर रही है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो आगे आप क्या करें बाबू, अभी तक ले तो अब बिस्कुटों का पैसा नहीं है से खाना खाए, बिस्कुटों के लिए नहीं है, क्या करें। आज रिक्शा वाला तो कहूँ खानो नहीं मिल रहा। सरकार की तरफ से मदद कुछ नहीं, अभी तो आप लोगों को सवारी भी नहीं मिलती होगी। कुछ नहीं बाबू, न सवारी न खाना कुछ नहीं। सुन ला, अरे जाइए, जाते हैं तो कहता खत्म हो गया। प्रशासन द्वारा गुंडागर्दी की जाती है, क्या करे प्रशासन के। तो भैया हम लोग सके रिक्शा वाले हैं तो कहाँ जाएंगे बोलने के लिए, अब दो घंटा मारभू करेगा तो थोड़े जाएंगे बोलने के लिए। तो लेके जा रहे तो पसेंजर डर के मारे जेबे नहीं करता, क्या बता रहे? क्या पड़ता है, अभी तक बोने नहीं किए। सवारी मिलता है सवारी मिलता है, क्या जिंदगी गुजर रहा आप लोग का? अब देखिए जो आप ही ना जा, दो घंटा से बैठे हुए हैं, दो घंटा से बैठे हुए अभी तक सवारी नहीं मिला, नहीं मिला। मदद की जा रही है सरकार की तरफ से? मदद क्या करेगी सरकार, रोटी पानी तो खिला ही रहा है गोल घर के अंदर। अच्छा, ये बताइए कि सवारी नहीं मिलती है, क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? परेशानी तो यही कोरोना वाला परेशानी के चक्कर में सरकार लॉकडाउन कर रखे है। प्रशासन की तरफ से कैसा व्यवहार है? प्रशासन की तरफ से जी हम लोग का कुछ नहीं करते हैं, चलने देते हैं, हमारे सवारी मिलेगा तभी ना हम उसे कमाएंगे। सवारी नहीं है तो कहाँ से कमाएंगे? जब बाजार खुले रहेंगे, आदमी सब आएंगे, तभी तो कमाई होगा। तो किस तरह से आपका घर चलता है? किस तरह से चल रहा है, दुखे दुखे से सही है। और सरकार की तरफ से मदद की जा रही है? कोई मदद नहीं, कहीं भी नहीं, कोई मदद नहीं सरकार की तरफ से, कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं, नहीं कुछ ही तरह कोई बात है कि कुछ विकल्प है कि मिलेगा या वो नहीं मिलेगा, ये सब कुछ बात नहीं है। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कैसा व्यवहार है आप लोगों की तरफ? प्रशासन तो खैर हम लोग को नहीं कुछ बोलता है, रिक्शा वाला को नहीं कुछ बोलता है, खाली कहता है कि भगाओ हटाओ चलाओ बस, यही और कुछ नहीं। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार हम लोगों को कुछ मदद करती है, अनाज पानी भेज देती है, रिक्शा वाला को, ठेला वाला को, ठेला वाला को। जो कार्य सरकार को करनी चाहिए थी, जहां सरकार बिल्कुल नाकाम हो रही है, वहां पे लोग निजी तौर पे अपनी तरफ से मदद करते नजर आ रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ परेशानियां सामने आई और किस तरह से मदद कर रहे हैं ये लोग। जो अभी कोरोना नाम की जो मानवता पर जो एक मानव जाति जिस प्रकार से कोरोना नाम की जिस बीमारी से लड़ रही है, जूझ रही है, पूरी दुनिया लड़ रही है इससे, तो उसमें हम सबों को जो चाहिए आज क्या कि जो लोग स्वस्थ हैं, जो लोग मदद कर सकते हैं, एक दूसरे को मदद करें। अभी एक दूसरे पर दोषारोपण करने का समय नहीं है, अभी जितना हो सकता है पॉजिटिव तरीके से जिसका जितना सामर्थ है उतना एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अभी ध्येय ये होना चाहिए कैसे हम लोग मानवता को बचाएँ, एक दूसरे अपने भाइयों को बचाएँ, सबको बचाएँ। ना अभी ये बीमारी ना गरीब को देख रही है, ना अमीर को देख रही है, ना एसी वाले को देख रही है, सब लोग बराबर हैं इस बीमारी के सामने में। तो हम लोग जो हमारी ईश्वर ने हमें क्षमता दी है उस क्षमता के अनुसार हम लोग लोगों को जो हैंड टू माउथ वाले लोग हैं, जो लोग रोज़ कमा कर रोज़ खाते हैं, जिनका रोज़गार अभी लॉकडाउन में ठप है, वैसे लोगों को एक छोटा सा प्रयास महादेव की कृपा से उन्हें भोजन कराने का काम, आहार वितरण करने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसी ध्येय के साथ हम लोग पटना के सड़कों पर जो लोग नहीं जिनका रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, जिनका खाना पीना
खाने में दिक्कत आ रही है, वैसे लोगों को एक छोटा सा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। प्रतिदिन कितने पैकेट आप लोग बांट देते हैं? हम लोग अभी तो पहले पानी वाला बोतल दीजिएगा, पहले तो पानी का बोतल दीजिएगा कम हमारा ये कम अभी 500 से 1000 हम लोग कर रहे हैं। अभी आज हम लोग 625 पैकेट लेके निकले हैं, 625 पैकेट और 300 बोतल पानी। अभी उसको रोज हम लोग उसमें बढ़ोतरी करेंगे, जितनी जरूरत होगी उतना करेंगे, भगवान की कृपा से जितना हम लोग से हो पाएगा उतना हम लोग करेंगे। अपना नाम बताइए। हमारा नाम दिव्यांशु भारद्वाज हुआ, हम पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर वैसे जो चूंकि बिहार में लॉकडाउन लग चुका है, तो वैसे गरीब जो जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो लोग रोजमर्रा रोज कमाते खाते हैं, वैसे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। तो हम लोग अपने जो भी बन पा रहा है, क्योंकि ऐसे स्थिति में हम लोग चाहते यही है कि सब लोग जिनसे जो भी मदद हो पाता है एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, तभी इस महामारी से निजात पाएंगे। तो हम लोग इस कोरोना महामारी में जो भी लोग सड़क पे चाहे दिहाड़ी मजदूर हैं, उसको खाने और पीने का व्यवस्था जितना बन पा रहा है उतना मदद कर रहे हैं हम लोग, और आगे भी निरंतर जब तक लॉकडाउन रहेगा हम लोग का रेशियो बढ़ते जाएगा धीरे धीरे, जितना हो पाएगा उतना जरूर करेंगे हम लोग।